हाँ बोलो क्या हुआ, रो रहे हो? क्या हुआ? देख लेते कुछ और। क्या खाना है? तीखा खा रहा है? नहीं नहीं, अब तो हो गया। आंखों से आंसू निकल रही है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज है संडे और फर्स्ट डे इन कानपुर। स्वागत है आपका कानपुर में। तो गाइज, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तो हो गया है, मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि कैसे क्या स्टार्ट करें, बिकॉज आज हमारे पास कुछ ही घंटे, जैसे शाम तक ये रात की हमारी ट्रेन है बनारस के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं अभी तो थोड़ी धूप आ रही है, बट बादल पूरे लदे हुए हैं। ये तो बादल पूरे ना लदे हुए हैं, बारिश आने का पूरी उम्मीद है। तो बारिश होने के पहले हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से। थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है मुझे, अपने लिए टी शर्ट्स लेनी है, मैं टी शर्ट्स कुछ भूल गया हूँ मुंबई में, और टी शर्ट्स लाया नहीं, तो टी शर्ट्स चाहिए मुझे थोड़े बहुत, और कपड़े चाहिए। और फिर बाहर देखते हैं कुछ खाने पीने का, कुछ फेमस है तो फेमस, तो खैर यहाँ खाने पीने की बहुत सी चीज़ें, जाएँगे वहाँ पर, देखते हैं क्या कहाँ जा सकते हैं, और फिर वापस आएँगे। अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग करनी है वाराणसी के लिए, तो वो करेंगे। यार जस्ट तैयार होके निकला था और बारिश शुरू हो गई। देखो यार, ये इसी का डर था। अब रुकने के अलावा तो कोई और चारा है नहीं, तो रुकेंगे थोड़ा, अपना जो काम है वो करेंगे फिर निकलेंगे। कानपुर में स्वागत है मेरे साले साहब। हाँ चलो, अभी कौन सा दूर है? अभी एक अर्जेंट काम आ चुका है जिसके वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है। एक काम करते हैं, ये ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं सीधा शाम को। चुके हैं मेस्टन रोड। मेरा प्लान था सुबह आने का, दोपहर में आने का, बट मेरे पास इतने काम थे अपार्ट फ्रॉम एडिटिंग और बैंक का काम ये वो, तो मैं उसमें काफ़ी बिजी हो गया था। आई वॉज़ वेरी टाइड अप। और मेस्टन रोड में इसलिए आया कि क्योंकि हम लोग की रात की ट्रेन है, तो हमें कुर्ता पजामा लेना है, और कुर्ता पजामा लेके फिर देखेंगे कुछ चाट चूट यहाँ का, क्योंकि कल मेरा व्रत है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं बाहर का। मोस्टली दर्शन जब तक करेंगे तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, फ्रूट्स पे रहूँ तो आज खा के ले लेता हूँ, और कानपुर रहो तो चाट नहीं खाओ तो फिर यार मज़ा नहीं है। तो मेस्टन रोड के बाद, अगर मेस्टन रोड में जो चीज़ चाहिए हमको वो चीज़ मिल जाए तो रुकेंगे, वरना सीधा बिराना रोड। तो ये कानपुर का मेस्टन रोड है, यहाँ पे 8 बजते ही पूरा सन्नाटा होने लगा है। देखो कम हो जाएंगे, ये 5.5 का था टैक्सी वाला। ये हमारे नाम बताओ अपना। विशाल, हम लोग इसको बोलते हैं बॉबी। बॉबी झूठ बोलते हैं विशाल। ये लिया है हम लोगों ने, ये कलर समझ में आया 34। अभी प्राइस कम करेंगे, ये प्राइस बोलेंगे। हाँ कुर्ते पजामे के लिए। नहीं मेरा नहीं, तुमको खाना खाओ।
20 की बना दीजिए, ज़्यादा नहीं खाएंगे, पानी पूरी ज़्यादा खा लिया। दही वड़ा ये क्या कस्ते खस्ता आएंगे कल परसों खाएंगे, कल परसों खाएंगे आके, अभी हिम्मत नहीं हुई। तुम पहले बताओ टेस्ट कैसा है। फूड रिव्यू, हम लोग आज रिव्यू है ना दूसरे से ले रहे हैं, ये बहुत स्पाइसी है सर। स्पाइसी हाँ, मतलब मैं यहाँ पे ना, मेरे ख्याल से जब से होश आया तब से मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे, अभी एक साल के बाद आया हूँ, तो एक साल बाद खा रहा हूँ। सीधापन पता चल रहा है इसके, बहुत तगड़ा है, सुपर स्पाइसी रहता है, मतलब धुआं निकल जाता है, इतना स्पाइसी रहता है ये। तो मूली के लच्छे पड़े हुए हैं, और क्या पड़ा हुआ है, और नींबू डाला ऊपर से, इको फ्रेंडली, दुनिया भी इको फ्रेंडली है। मेरा होगा तुम खाओ, खाना खराब हो जाएगी। मेरी ऑर्डर मिला नहीं, टेस्ट खराब कर दिया बोला। मीठी चटनी डलवा दी लेकिन कान से धुआं निकल रहा है। एक पत्ता पापड़ी बनवा दे। हाँ बोलो क्या हुआ, रो रहे हो क्या हुआ, देख लेते कुछ और क्या। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद तीखा खा रहे है? नहीं नहीं अब तो हो गया, आंखों से आंसू निकल रही। पूरा मक्खन का एरिया है, मक्खन मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मिलता है। हम लोग अगर मक्खन मिल जाता है तो मक्खन खाएंगे, वरना कुछ पीने के लिए तो लेंगे लेंगे, बिकॉज इनकी चोटी खड़ी हो गई है पीछे से, है ना। कहाँ पे यहाँ, तो भैया हम लोग आ गए शुक्ला जी के मक्खन भंडार में, जो कि जनरलगंज में बिरान रोड के आगे। अच्छा ठंडियों में आपको यहाँ से मक्खन मिलेगा, बट यहाँ पे अभी गर्मी चालू है तो ये सब मिठाई के और कोल्ड ड्रिंक्स अपना दूध के ऑप्शन से आपके पास। तो ये फालूदा एक्चुअली किसी और ने ऑर्डर किया था, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी ऑर्डर कर दिया ये। इसको बोलते हैं केसरी फालूदा, जो कि एकदम ऑरेंजेस है और केसर का कलर आ रहा है इसमें, बहुत टेस्टी लगा मुझे, बहुत टेस्टी। अच्छा ये भी बहुत मस्त है, ऑसम है, मस्त नहीं। बीच में दबा के पॉज हो गया क्योंकि अभी सीजन गर्मी का है, इसके लिए ये रबड़ी और मिल्क शेक ये सब मिलता है, वरना मक्खन मिलता है। तो हम लोग ने 3 आइटम खाया, रबड़ी फालूदा नहीं, रबड़ी फालूदा और कुल्फी नहीं, रबड़ी कुल्फी फालूदा और एक बादाम शेक, तीनों ऑसम थे। रबड़ी वाज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अरे मतलब इतना टेस्टी, इतनी फ्रेश, इतनी यमी थी ना कि क्या बोलूँ। हम लोग यहाँ आते थे एक्चुअली में ये करने हैं, पहले आते थे मक्खन खाने, तो क्योंकि ठंड का टाइम नहीं है तो मक्खन वक्खन मिलता नहीं है ज़्यादा। ये पान की दुकान, यहाँ पे पान की दुकान इतनी ग्रैंड है ना, इतना उनका ये होता है कि रेड पड़ चुकी है इन लोगों के ऊपर, मतलब 200-200 करोड़ मिले हैं इनके पास, इतनी बिक्री होती है इनकी। स्वागत है, आप यूपी में हैं,
मेरे ख्याल से मार्केट जल्दी बंद हो जाता है और बाकी जगह संडे को मार्केट खुला रहता है रात तक। पता नहीं यहाँ थोड़ा उल्टा हिसाब है, ये लोग निकलते ही नहीं होंगे, निकलते भी होंगे तो शाम के टाइम निकलते हैं, जो शॉपिंग स्ट्रीट है वहाँ पे निकलते होंगे। तो फिलहाल तो हम लोग जूडियो चल के बात करते हैं, या कोई टी शर्ट वी शर्ट की दुकान मिल जाए तो वहाँ चलेंगे, वहाँ रुक के बात करते हैं। जूडियो आ गया भाई, जूडियो 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 जूडियो। तो भाई अपनी शॉपिंग हो गई है, कानपुर का जाम भी देख ले। तो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, ट्रैफिक भी लग चुका है अच्छा खासा और ज़्यादा बड़ा नहीं करते वीडियो को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अपने को ट्रेन भी पकड़नी है तो देखते हैं क्या स्टेटस है। बाय।